नहीं ले रहा, सो उसने स्टार्ट अब्यूजिंग मी, एक्चुअली ही स्टार्ट अब्यूजिंग मी एंड ही सेड लाइक जस्ट गो एंड सो आई सेड यू ओके सो दिस इज रियली रियली बैड एंड रिडिकुलस थिंग दैट आई फेस इन चाइना टाउन. So today I am going to Chinatown. Let's just go with me. So yes guys, I just came on Chinatown and this is the basically main entrance of this gate. यहाँ पर basically आप लोगों को छोटे छोटे stalls मिलेंगे साइड बाई साइड और काफ़ी ज़्यादा चीप है सिटी से. सो अभी देखते हैं और यहाँ पर बार्गेनिंग भी हम लोग करेंगे ज़रूर, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखें यहाँ पर आते हुए, दैट इज़ के यहाँ पर लोकल चीज़ें आपको मिलेंगे, डुप्लीकेट ओरिजिनल नहीं मिलेंगी. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दिस. तो भाई एक चीज़ तो आप लोगों को यहाँ हर किस्म की ब्रांड मिल जाएगी, हर किस्म की, यानी कि लकोस्टे से लेकर गुची तक हर किस्म की ब्रांड मिलेगी, लेकिन ओरिजिनल नहीं है वो, सब कुछ फेक है. सो मेक श्योर दैट के यहाँ पर रेप्लिकाज आपको मिलेंगे. सो भैया चीज़ ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जूती, कपड़ा और बैग ही नहीं मिलेंगे, घड़ियाँ और अव्वल तरीन किस्म की एनके भी आपको मिलेंगी. सो अगर तो आप लोग मेरी तरह सस्ते शॉपिंग करने वाले हैं, सो यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर आइएगा. अगर आपको अपना बचपन याद है, सो अगर आप कार्टून नेटवर्क देखने वाले हैं तो आप लोगों को ये ज़रूर याद होगा. आप लोगों को याद होगा कि मिस्टर बीन के साथ होता था उनका एक टेडी बियर एंड आई फाउंड दिस इन चाइना टाउन. सो आई फाउंड दिस इन चाइना टाउन एंड ये मिस्टर बीन का भालू यहाँ पर आ गया. सो मिस्टर बीन तो चले गए लेकिन अपना भालू यहीं छोड़ गए. सो आई फाउंड दिस. ऑल राइट गाइज, आई जस्ट केम ऑन अ कैब स्टोर और अभी एक कैब स्टोर पर आया हूँ और यहाँ से मैं कोई कैब लूँगा बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कोई अच्छी सी कैब चाहिए बिकॉज आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्रैवल, सो उसमें मुझे धूप काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है. सो उसके लिए मुझे कोई एक कैब चाहिए एंड लेट्स सी कि मैं इसमें से कौन सी कैब उठाता हूँ एंड कौन सी अच्छी है. सो आई टेल यू गाइज, आई शो यू गाइज. सो आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर एंड दिस लुक्स गुड ऑन मी बिकॉज आई ट्राइड टू बिफोर, लेकिन मुझे ये पसंद आई है बिकॉज ऑल्सो अ गुची ब्रांड एंड इट्स कूल एक्चुअली. A few moments later. All right, guys. So basically, जो मैंने पिछली शॉप पे कैब ट्राई की थी एंड वो शॉप वाला एक्चुअली बहुत बदतमीज था और मैंने उसे कहा कि वो 65 रिंगेट मांग रहा था उस चीज़ के, लेकिन मैंने कहा कि लाइक ऑलमोस्ट यू नो ये सस्ती है, थोड़ी सी सस्ती दो, 30 रिंगेट, 25 रिंगेट. एंड देन ही सेड लाइक नो नो नो, वाई यू शूड दिस एंड दैट, सो दिस इज़ एक्चुअली सो रॉन्ग. सो लेकिन अभी एक मॉल में आया हूँ यहाँ पर चाइनाटाउन में, एक शॉप है, सो दिस इज़ लाइक चीप. यहाँ पर देखें इतनी अच्छी अच्छी कैप्स हैं विच इज़ ओनली फॉर 15 रिंगेट. सो आई रिकमेंड दैट कि आप किसी स्टोर को चूज़ कर लो, ना कि ये लोकल शॉप्स, बिकॉज बहुत बदतमीज़ी करने लग पड़ते हैं. सो दैट्स वाई जस्ट से यू नो शट दैट ऑफ एंड आई जस्ट केम ऑन दिस स्टोर. सो लेट मी जस्ट ट्राई समथिंग फ्रॉम हेयर एंड आई विल शो यू गाइस. सो आई लाइक दिस टिकटॉक बट दिस इज़ फॉर लेडीज, सो आई एम नॉट जस्ट गोना टेक दिस बट आई एम लुकिंग फॉर दिस, सो आई एम जस्ट गोना ट्राई दिस. So this is actually looking cool on me because I like this stuff over here and I like this the writing over here, so I think this is the best and this looks good on me, that's why I'm gonna just pick this up. Yeah, only for 15 ringgit also, so this is really really cheap na. So bhaiya aap logon ko is store pe na sirf jewelry aur topiyan nazar aayenge balki shoes bhi bahut outclass kisam ke hain, so that's only for 25 ringgit. Chinatown mein isse zyada cheap aur surya mall mein I think maine jitne bhi malls mein gaya hu wahan par koi bhi cheez itni sasti nahi thi jo is store mein. So main aap logon ko store ka naam zarur bataunga ki if you will come here so just
pick this up because this is actually so cool place. Alright guys, so I just got these shoes for my brother and for Nabil and Imran. और मैंने दो shoes पेयर लिए हैं यहाँ से और एक cap ली है. And I think अब कितना बिल बनता है वो भी बताता हूँ and इस shop का नाम भी बताता हूँ ताकि आप लोग अगर आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ. So this store name is Panda Eyes and ये Chinatown में है and this is actually so cheap other than to the Chinatown shops. और यहाँ पे fixed shops और fixed price है which is actually so cool. So must come here, highly recommended you guys. Panda Eyes. Alright guys, so this is the Panda Eyes store actually and this is so so much cheap because this is better than other places. और ये दूसरी जगहों से बेहतर है क्योंकि थोड़ा सा cheap भी है और fixed price भी है, जो आपको लेना है वो आप लोगे. And यहाँ से मैंने दो pair of shoes, one cap लिया that cost 92 ringgit. Can you guys imagine less than 100 ringgit? And two pair of shoes, one cap. So now I'm just moving toward and let's see कि आगे क्या कुछ आता है and क्या कुछ है. So yes. Okay, so हुआ ये था कि मैं एक shop पर गया था जहाँ मैंने गुची की ब्लैक कलर की कैप पहनी थी और उसने मुझे कहा कि 65 रिंगिट ना, लेकिन मैंने कहा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा है, मुझे आलमोस्ट 25 रिंगिट तक दो ना. और वो इतनी खास भी नहीं थी, रेप्लिका थी. सो उसके बाद जब मैंने कहा कि मैं नहीं ले रहा तो उसने ही स्टार्ट अब्यूजिंग मी एंड ही सेड लाइक जस्ट गो. एंड सो आई सेड यू ओके. So this is really really bad and ridiculous thing that I face in Chinatown. So आप लोग अगर आते हैं Chinatown, so make sure के Panda Eyes या किसी branded store पर ही जाएं क्योंकि वहाँ पर चीज़ें सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं और fixed price है ताकि आपको बहस ना करनी पड़े. So that's the thing that happened with me in Chinatown and I'm feeling bad के शायद वो Indian था, Tamil था, so उसने बदतमीज़ी की देख करके, पाकिस्तानी है and all that. So Tamil and Indians are really really rude here. So I'm just gonna end this vlog over here and in final I got two pair of shoes and one cap which is actually so cool and the shoes are really really good in 92 ringgit. So that's not a bad deal. And right now I'm moving toward the KL Birds Park. So I am going to KL Birds Park and this vlog is ending here. Is vlog ko main yahi khatam kar raha hu aur aage main ja raha hu KL Park mein. So this is the end of this video and I hope you guys really like. If you guys like then make sure to do subscribe my YouTube channel. Don't forget to subscribe and see you inshallah in next video. Till that time, Allah Hafiz and bye bye. And do watch Amir Dar vlogs because I am going to KL Bird Park. Let's go.